नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एरोड्रोम थाना पुलिस लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। ताजे मामले में पुलिस ने नकाबजनी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपित को गिरफ्त में चोरी का माल बरामद कर लिया है। इंदौर की विद्या पैलेस कॉलोनी में हुई नकाबजनी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस उपायुक्त जोन वन आदित्य मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन वन आलोक शर्मा ने घटना का खुलासा करते हुए कहा कि वारदात को अज्ञात आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया था। इसके बाद रहवासी और कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश करने के बाद अजय पिता बद्रीलाल चौहान और अमित बिलवाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई और आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने गिरफ्त में आए आरोपियों से चोरी का माल जब्त कर लिया है। जब्त किए सामान की कीमत 1,00,000 रुपए है। पुलिस फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में जो विद्यानगर पैलेस कॉलोनी है, वहाँ पर 16/1/2024 को एक नकबजनी और गृहभेदन की घटना हुई थी, जिसमें लगातार पुलिस प्रयासरत थी कि उसके संबंध में जो वहाँ ज्वेलरी चोरी हुई है या जो सोने के जेवरात चोरी हुए हैं उसके तस्दीक की जाए। उसमें जब लगातार सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो दो लोगों के सामने आई थी तस्वीर, जो जिनको जब तस्दीक की गई तो उसमें एक अजय चौहान है और एक अमित बिलवार है। ये दो आरोपी हैं जिनको पकड़ा गया है, जिनके पास से कुल करीबन 1,10,000 रुपये के आसपास की जो ज्वेलरी चोरी हुई थी वो भी बरामद हुई है। साथ ही साथ अभी ये भी पता किया जा रहा है कि किन ज्वेलर्स को, इनमें से कुछ ज्वेलरी जो है इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इन्होंने ज्वेलर्स के पास गिरवी रखी थी या ज्वेलर्स को बेची थी। यदि ये पता चलता है कि ज्वेलर्स के द्वारा ये जानते हुए कि ये चोरी का माल है या बड़े कम दामों में लिया गया है, तो फिर जो ज्वेलर्स हैं उनको भी जो धारा 411 है उसके तहत इसमें आरोपी बनाया जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।